बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहानो ताला। यस्टरडे वी हैव स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी हैव डन पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 6। आई होप यू डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दीज पार्ट्स। सो this is your Iqra mathematics book 2. Open the page and the page number is 37. Okay bachcho, this is page number 37. humne part number 1 se part number 6 tak kiye the. aaj hum apna naya work start karenge part number 7 se, lekin usse pehle hum part number 36 again karenge, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमारे पास एक फैक्टर रिमेनिंग रह गया था, हमसे छूट गया था, तो हम वो अगेन इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको वो फैक्टर भी क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ योर स्केल लाइन नोटबुक, ओपन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स, इंडेक्स सीरियल नंबर 7 है मेरे पास। डेट राइट कीजिए, फैक्टर्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट दिस टू दिस, जहाँ से आपके पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आप पार्ट्स लिखें। पेज नंबर आपका मेरा 13 है, आपका जो भी पेज नंबर आ रहा है वो राइट करेंगे फ्रॉम 2 जहाँ तक जाएंगे, ठीक है? सो ओपन ओपन द पेज, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर माय पेज। सिंगल मार्जिन लाइन और राइट साइड, डबल मार्जिन लाइन और द लेफ्ट साइड, डेट पेज नंबर इस्लामिक डेट एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 37 पार्ट 6 अगेन 36, राइट द सॉल्यूशन हियर। सो लेट्स स्टार्ट। जी बच्चों, 36 मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर नंबर 1 पर डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 36, ठीक है? नेक्स्ट हम 2 पे मूव करते हैं। अब अगर 2 देखें अकॉर्डिंग टू योर डिविजिबल रूल्स, 2 का रूल था कि लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास, वो इवन नंबर्स आ जाएं, 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ हमारे पास प्लेस वैल्यू यूनिट में 6 है, दिस इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है ये डिवाइड 2 पर हो जाएगा। सबसे पहले हम 2 राइट कर लेते हैं, फिर हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे 2। अब हम 36 इज़ डिविडेंड, डिवाइज़र है हमारा 2, डिवाइड करते हैं कि आंसर क्या आता है। 2 1 ज़ा 2, माइनस कीजिए, 3 माइनस 2 इज़ 1, 6 आया। 2 कितने टाइम 16 होते हैं, 2 8 ज़ार 16, माइनस कीजिए, 0 0, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो कोशेंट है दिस इज़ 18, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, यानी 2 18 ज़ार 36, राइट बच्चों? 2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 होता है। 3 का रूल क्या है कि हम इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करें तो वो अगर जो नंबर आता है अगर, तो वो 3 पे डिवाइड होता हुआ तो हमें पता चल जाएगा। तो हम इसको ऐड करके देख लेते हैं, 36 3 एंड 6 को ऐड कीजिए, दिस इज़ 9, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है 36 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो कितने टाइम्स होगा वो हम चेक कर लेते हैं अगेन, 36 को 3 पे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 इज़ 0। अब हम 6 राइट करेंगे, 3 कितने टाइम 6 होता है, 3, वेरी गुड, 2 ज़ा 6, माइनस 6 इज़ 0, सो द आंसर इज़ 12, वेरी गुड 12। नेक्स्ट हमारे पास रूल होता है 4 का। अब 4 डिजिट के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं, तो 36 अगर आप चेक करें तो हमारे 4 के टेबल में आता है,
फोर कितने ज़ा होता है? वेरी गुड, फोर नाइन ज़ा 36. तो हम यहाँ राइट करेंगे फोर मल्टीप्लाई नाइन ज़ा, तो हम यूनिट में राइट करेंगे फोर नाइन ज़ा 36. नेक्स्ट हमारे पास फोर के बाद फाइव है. फाइव का रूल में हमारे पास क्या होता है कि लास्ट डिजिट में हमारे पास ज़ीरो या फाइव, लास्ट डिजिट यानी कि प्लेस वैल्यू आपके पास यूनिट में ज़ीरो होना चाहिए या फाइव. तो यहाँ हमारे पास यूनिट की प्लेस वैल्यू में सिक्स है, इसका मतलब है ये फाइव पर डिवाइड नहीं होगा. सो मूव टू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट इज सिक्स. सिक्स, अब सिक्स के हमारे पास रूल क्या है कि टू एंड थ्री दोनों पे डिवाइड हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें टू पे भी डिवाइड हुआ है और थ्री पे भी. तो सिक्स का टेबल ऑलरेडी आपको आता है. सिक्स कितने ज़ा, टेबल रीड कीजिए. सिक्स सिक्स ज़ा 36, वेरी गुड. अब यहाँ देखिए हमारे पास, पहले भी मैंने आपको बताया था कि नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम वहीं पे अपना जो वर्क होता है आगे नंबर को चेक करना हम स्टॉप कर लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे एरोज को शो करते हैं इस साइड से भी और यहाँ पे भी ऐसे. ठीक है, दिस इज डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. जैसे एज यूजुअल हमने राइट किया था फैक्टर्स ऑफ, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी राइट करें फैक्टर्स ऑफ किसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, 36. 36 आर जो भी हमारे फैक्टर्स आए हम वो राइट कर देंगे. दिस इज टेल एंड हेड. टेल से हम स्टार्ट करेंगे, वन एक लाइन छोड़ दीजिए. सबसे पहले हम वन राइट करेंगे, कोमा टू, कोमा थ्री, कोमा फोर, कोमा नेक्स्ट है सिक्स, कोमा अब अगेन टेल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सिक्स आ रहा है टेल पे तो हम अगेन राइट नहीं करेंगे क्योंकि हम वन टाइम राइट कर चुके हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नाइन कोमा ट्वेल्व कोमा एटीन कोमा एंड द लास्ट वन इज 36. ये हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ कम टू द बुक. 36 के बाद नेक्स्ट 49 है, सेवन पार्ट. अब आप ये अगेन खुद करेंगे. 56 पार्ट 8 भी अब आप खुद कीजिए. नाइन्थ पार्ट है 64, ये भी अब आप खुद कीजिए. लास्ट है 100. ये बच्चों मैं अब आपको सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए थ्री डिजिट्स के भी नंबर के साथ. ओके, नाउ कम टू द नोटबुक. पार्ट नंबर 10 इज 100. जी स्टार्ट करते हैं अब 100 से. ये सबसे पहले हमारे पास किस नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, कौन से टेबल से. मिनिमम सबसे छोटा हमारे पास कौन सा आएगा, वन. वेरी गुड, सबसे पहले हम वन कितने टाइम्स, वन हंड्रेड आर 100, क्योंकि 100 हर नंबर, जैसे कि यहाँ 100 है, हर नंबर वन पर डिवाइड हो जाता है. तो सबसे पहले हमने वन से स्टार्ट लेना होता है. तो हम यहाँ राइट करते हैं वन मल्टीप्लाई 100. जी नेक्स्ट हमारे पास टू, वन के बाद नेक्स्ट डिजिट होता है टू. टू के रूल के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस में हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 8, 6. तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है ये टू पे डिवाइड हो जाएगा. तो मैं सबसे पहले यहाँ टू राइट करती हूँ और फिर चेक कर लेती हूँ कि कितने टाइम्स डिवाइड होगा. रफ पेज पे 100 टू से हम डिवाइड करते हैं. टू फाइव ज़ा 10,
माइनस कीजिए, ये भी ज़ीरो या क्रॉस, वन माइनस वन इज़ ज़ीरो। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट ज़ीरो आ रहा है, तो टू ज़ीरोज़ आ, सबसे वन से भी मिनिमम ज़ीरो, टू ज़ीरोज़ आ ज़ीरो, तो माइनस कीजिए। अब हमारे पास ये क्लोज हो गया, ज़ीरो आ गया, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट रहता था। तो टू कितने टाइम्स हुआ, 50, तो हम यहाँ राइट करेंगे 5 and 0, 50। प्लेस वैल्यू का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास होता है थ्री का। थ्री का क्या रूल होता है हमारे पास, कि नंबर्स को ऐड किया जाए तो जो भी नंबर है वो थ्री पे डिवाइड हो जाए, तो इट्स मीन कि वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम, मेरे पास यहाँ पे बच्चों 100 है, अब मैं 100 को ऐड करूँ, 1 + 0 + 0, दिस इज़ 1, और 1 थ्री के टेबल में नहीं जाता, इट्स मीन ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 4 है। अगर 4 के रूल के अकॉर्डिंग लास्ट टू डिजिट्स देखे जाएं कि क्या वो डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टू डिजिट्स में आ ही ज़ीरो रहे हैं, इट्स मीन कि ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चेक भी कर लेते हैं 100 को 4 पे, 4 टेंस तो नहीं आता, लेकिन 4 टू ज़ा 8, माइनस कीजिए, 10 माइनस 8 इज 2, 0 तारा 4, 5 ज़ा 20, तो माइनस कीजिए, आंसर इज़ 0। तो कितने, 4 यहाँ हम राइट करेंगे, और कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, दिस द आंसर इज 25, 2 और 5 हम यहाँ राइट करेंगे। 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 5। 5 की जो हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग, या तो हमारे पास यूनिट प्लेस में 0 हो या हमारे पास 5 हो। अब यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, तो इट्स मीन ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे 5 राइट कर दीजिए, ये तो हमें पता है कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो चेक भी करते हैं 100 and 5, 5 टू ज़ा 10, ये हमारे पास 0 हो गया। अब हम 0 राइट करेंगे, तो ये 5, 0 ज़ा 0, माइनस किया 0। ठीक है जी, तो आंसर हमारे पास अब क्या आ गया, 20। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 6। 6 का रूल क्या है, 2 और 3 दोनों नंबर्स पे डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ प्रीवियस ही देख लें, तो ये 2 पे तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 पे डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 10 पे भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट डिजिट है 7 पे भी डिवाइड नहीं होता, 8 पे भी नहीं होगा, 9 पे भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास 10 है। 10 का भी रूल अगर आपको याद हो, तो हमारे पास क्या होता है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, यानी कि यूनिट। तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है, तो आप 10 को डिवाइड करके हम देख लेते हैं। 10 को 100 पे डिवाइड करते हैं, 10 1 ज़ा 10, माइनस किया, तो ये तो 0 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट डिजिट है 0, हम राइट करेंगे 10 कितने टाइम, 10 0 ज़ा 0, अब हमारे पास ये हो गया 0, और क्वेश्चन यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 10। हमने 10 हम यहाँ राइट करेंगे, जो हमने टेबल है हमारा, और कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 10 राइट कर देंगे। अब अगर यहाँ भी आप देखें, हमारा नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं, तो इसका 10 10 रिपीट हो रहा है, तो हम अब अपना सोल्यूशन यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरोज शो करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डाउन एंड अपवर्ड्स। ठीक है, और क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 100 आर, जो भी हमारा क्वेश्चन है, हमने किसके फैक्टर्स बनाए हैं, 100 के, तो 100 आर, सबसे पहले हम टेल से राइट करेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिए, 1 2 1 2 4 5, नेक्स्ट इज 10,
यहाँ पे हमारे नंबर्स ख़त्म हो गए। अब हम दोबारा यहाँ पे टेल की साइड जाएंगे, लेकिन 10 अगेन आ रहा है। मैं वन टाइम राइट कर चुकी हूँ तो दोबारा राइट नहीं करूँगी। नेक्स्ट है 20, 25, नेक्स्ट इज 50, एंड द लास्ट वन इज 100। नेक्स्ट पे एक लाइन छोड़ देती हूँ और 100। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वाले पार्ट्स समझ आ गए होंगे और आपने इनका होमवर्क भी करना है बच्चों, बहुत अच्छा सा, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 to 10 इज योर होमवर्क एंड डू प्रैक्टिस आल्सो। ठीक है बच्चों, सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।